इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 22 साल के उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह बनानी है तो एक्यूरेसी, इकोनॉमी रेट और विकेट चटकाने पर और ध्यान देना होगा। जहां तक रफ्तार की बात है तो वो इस नौजवान बॉलर के पास है, लेकिन धार को अभी और तराशना है। उमरान मलिक 100 मील प्रति घंटा के बैरियर तक पहुंचने के लिए कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। 100 मील यानी 160.934 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो 100 मील से ऊपर की गेंद सिर्फ दो बॉलर्स के नाम ही दर्ज है, उनके बारे में भी आपको स्टोरी में बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब डेढ़ सदी के इतिहास में शोएब अख्तर पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 2003 में 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार के बैरियर को पहली बार तोड़ा था। उन्हीं के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज डिलीवरी दर्ज है। आइए अब बात करते हैं दुनिया के ऑल टाइम टॉप 5 रफ्तार के सौदागरों की। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट की 5वीं सबसे तेज गेंद दर्ज है। स्टार्क ने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पर्थ में हुए दूसरे टेस्ट में 160.4 किलोमीटर यानी 99.7 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। स्टार्क 12 साल से ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा बने हुए हैं। जेफ थॉम्पसन ऑस्ट्रेलिया के वो बॉलर जिसने एक इंटरव्यू में खुले तौर पर कहा था कि उन्हें बैट्समैन को आउट करने से ज्यादा मजा उसके शरीर को हिट करने में आता था। थॉम्पसन बॉलिंग करते थे तो पूरा स्टेडियम दर्शकों की ओर से टॉमो टॉमो की आवाज से गूंजने लगता था। रिकॉर्ड में थॉम्पसन की सबसे तेज गेंद 160.6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 99.8 मील प्रति घंटा की है जो उन्होंने 1975 में पर्थ टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ की थी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट की चौथी सबसे तेज गेंद है। ऑस्ट्रेलिया के ही ब्रैटली ऐसे तूफानी बॉलर हैं जो 100 मील प्रति घंटा रफ्तार के बैरियर को पार करते करते बहुत थोड़े से चूक गए। ब्रैटली ने 2005 में नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे के पहले ओवर में ही कीवी ओपनर क्रेग कमिंग को 160.8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 99.9 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली जो इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की तीसरी सबसे तेज गेंद के तौर पर दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट पाकिस्तान के शोएब अख्तर के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार के बैरियर को पार किया। शॉन टेट ने 2010 में लॉर्ड्स लंदन में हुए मुकाबले में 161.1 किलोमीटर यानी 100.1 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद इंग्लैंड के ओपनर क्रेग किस्वेटर को डाली थी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे तेज गेंद के तौर पर दर्ज है। शोएब अख्तर दुनिया के पहले तेज गेंदबाज रहे जिन्होंने 100 मील प्रति घंटा रफ्तार के बैरियर को तोड़ा था और 161.3 किलोमीटर यानी 100.2 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी। ये गेंद उन्होंने 2003 में साउथ अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप मैच के दौरान इंग्लैंड के ओपनर निक नाइट को की थी। शोएब ने इस मैच में 9 ओवर में 63 रन खाए और सिर्फ माइकल वॉन का विकेट दिया। ये मैच इंग्लैंड ने 112 रन से जीता था। अब बात फिर उमरान की रफ्तार को देख अब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें बनी हैं कि वो अगर और मेहनत करें तो न सिर्फ भारत के आगे चलकर स्ट्राइक बॉलर बन सकते हैं बल्कि 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार के बैरियर को तोड़ने वाले पहले भारतीय भी बन सकते हैं। साथ ही शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ने के भी उमरान दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी है कि वो स्पीड के सुल्तान के साथ साथ एक्यूरेट बने और मेहनत के दम पर पहले टीम इंडिया की कैप हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।